क्वेश्चन नंबर 2.18, यह क्वेश्चन हमसे कहता है कि नेम द थ्री डिफरेंट कंडीशन, तीन डिफरेंट कंडीशंस का नाम लिखें दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू जीरो, जिन कंडीशन के तहत A1 क्रॉस A2 जीरो हो जाए। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर A1 या A1 जीरो हो या A2 जीरो, तब A1 क्रॉस A2 जीरो आएगा। दूसरी कंडीशन है कि A1 और A2 ये पैरेलल हो, दो वेक्टर्स पैरेलल हों, यानी कि ये A1 है और ये A2 है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। और अगर हम A1 क्रॉस A2 फाइंड करें वो होता है A1 A2 साइन थीटा, A1 A2 साइन थीटा जो है वो हमारा 0 आया है, साइन 0 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जिसके तहत A1 क्रॉस A2 0 होंगे वो ये है कि A1 और A2 वो एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मतलब A1 की डायरेक्शन इस साइड पे है, A2 की डायरेक्शन इस साइड पे है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब एंगल 0 होगा, और जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तब उनका एंगल 180 होता है। ठीक है, इसी फार्मूले में जब हम थीटा की जगह 180 पुट करके देखें तो साइन 180 भी 0 आता है। तो ये वो तीन कंडीशंस हैं जो A1 क्रॉस A2 को 0 बनाती है। ठीक है, अब है